Yes, hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine. जैसे बेटा आप सबको पता कि हम 12th physics कर रहे हैं, optics chapter study कर रहे हैं. आज बेटा उसी सीरीज में हम next lecture discuss करेंगे. जिस lecture का, जिस topic का आज का हमारा नाम रहेगा power of a lens. तो सबसे पहले देखें बेटा power of lens होता क्या है. देखो lens है, lens से क्या होगा refraction. अब कोई भी लाइट लेंस के ऊपर फॉल हो रही है, रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होगा तो या नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी. ठीक है, जैसे हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है. तो उसी के रिस्पेक्ट में कितना कन्वर्ज कितना डाइवर्ज करता है. अभी देखिए, जैसे हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस. अब अगर हम पावर की बात करें तो बेटा पावर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? पावरफुल, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग. मीन्स जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे इस केस की बात करें, ये एक पैरेलल लाइट फॉल हुई, पैरेलल रे फॉल हुई. पैरेलल रे फॉल हुई तो ये रे लेंस के ऊपर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होती है तो उसको कहां से पास करना होता है? फोकस से. अगर हम इसका फोकस देखें तो हम मान लेते हैं ये एक स्फीयर ड्रॉ हो जाएगा ऐसे. इसका ये मान लो सेंटर है, ये कहेगा फोकस. तो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हुई तो कहां से पास करनी चाहिए? फोकस से. ये लाइट फोकस से पास करनी चाहिए. एक्चुअल में अगर यहां पर लेंस ना होता तो ये लाइट कैसे मूव करती? सीधा मूव करती. तो कितना अपने रास्ते से बैंड हो गई है, इसको हम कहते हैं इतना बैंड हो गई है. जैसे मैं एंगल दिखा दूं आपको, ठीक है, बैंड. अगर इस केस की बात करें तो इस केस में हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है? थिन लेंस है. अगर लेंस थिन है तो इसका जो सफेयर बनेगा बहुत बड़ा बनेगा. सफेयर बहुत बड़ा बनेगा तो सेंटर और फोकस वो भी क्या आएंगे? दूर आएंगे. ठीक है, अब सेंटर फोकस दूर आएंगे. अगर इस केस में भी अगर पैरेलल लाइट फॉल हो तो पैरेलल लाइट जो भी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट फॉल होगी, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उसको हमेशा कहां से पास करना होता है? फोकस से. कहां से पास की? फोकस से. इसका भी एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से फोकस से पास की. तो इस केस में क्या है? ये बेंडिंग है. अब अगर आप वन और टू को देखो, किस केस में बेंडिंग ज्यादा हुई है? इस केस में, क्योंकि इस केस में फोकस पास था तो लाइट जा रही थी, बेंड हुआ. इस केस में बेंडिंग थोड़ी सी कम हुई है. अब पावर क्या है? पावर है बेंडिंग ऑफ लाइट. देखो रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या करेगा? लाइट को बेंड करेगा, लेकिन कितना बेंड करेगा? एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस. अब इन दोनों केसेस की हम बात करें, इस केसेस में आपको दिख रहा है कि ये एंगल थीटा वन कर देते हैं, ये एंगल थीटा टू कर देते हैं. कौन ज्यादा है? थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू. तो लाइट की जो बेंडिंग हुई है, इंसिडेंट रे की जो बेंडिंग हुई है रिफ्रैक्ट, तो वो किस केस में ज्यादा हुई? पहले केस में. मीन्स पावर ऑफ, इसका नाम मैं लेंस वन रख रहा हूं, इसका नाम एल. पावर ऑफ एल वन इज मोर, पावर ऑफ एल टू सेकेंड लेंस इज लेस. इन दोनों का कंपैरिजन करें तो, क्योंकि देखो लाइट सीधी जानी चाहिए थी, इस केस में कहां गई? ऐसे गई. और इस केस में थोड़ा सा ऊपर गई. तो किस केस में बेंडिंग? देखो बेंडिंग इस केस में ये, और अगर नीचे वाले केस की बात करूं तो बेंडिंग ये. मींस ये बेंडिंग ज्यादा है या ये बेंडिंग ज्यादा है? ये बेंडिंग ज्यादा है. एक्चुअल पाथ से ये ज्यादा दूर हटी है तो इसने ज्यादा बेंड किया है. तो ज्यादा बेंड किया है तो पावर ऑफ लेंस वन इज मोर. अगर हम देखें, हमें यहां पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि पावर तो फोकस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर फोकस यहां होता तो ये लाइट यहां से पास करती, यहां होता तो यहां से पास करती. मीन्स पावर का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन फोकस के साथ जरूर है, क्योंकि जो भी पैरेलल आएगी उसको फोकस से पास करना है. फोकस दूर है तो दूर से पास करेगी, पास में है तो फोकस पास से पास करेगी. मीन्स पावर और फोकस का कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा. अगर आप ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करो, तो इस केस में फोकस, फोकल लेंथ कम थी. फोकल लेंथ कम थी तो बेंडिंग ज्यादा हुई. फोकल लेंथ ज्यादा थी तो बेंडिंग
कम हुई, मींस पावर ऑफ लेंस इज मोर है। अगर पावर मोर आई है हमारी, और तब हमने क्या देखा, फोकल लेंथ ऑफ एल वन इज लेस और फोकल लेंथ ऑफ एल टू इज मोर। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा रहेगी, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम रहेगी। तो हम यहां से क्या क्या देख पा रहे हैं कि फोकल लेंथ और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस पावर हमेशा फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएं तो 1 आएगा, तो पावर क्या आएगी, 1/f। इसलिए हम ये फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज बेटा आपको ये क्लियर हो गया कि पावर फोकल लेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, तो पावर का फॉर्मूला 1/ फोकल लेंथ क्यों होता है। अब एक चीज देखो, फोकल लेंथ क्या है, लेंथ है। तो लेंथ हमारी किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो फोकल लेंथ हमारी किस में होनी चाहिए, मीटर में। फोकल लेंथ मीटर है और जो पावर है, पावर को हम किस में मेजर करेंगे, डायोप्टर, जो आपको डी लिखा होता है, डायोप्टर। ठीक है, यहां से हमने ये कंक्लूड कर लिया। अगर हम सिमिलर केस कॉनकेव का देखते, सिमिलर केस हम किसका देखते, कॉनकेव का, अभी दिखाते हैं आपको। अगर हम कॉनकेव लेंस के केस में पावर को देखना चाहें तब देखो क्या फिनोमेना होगा। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ये हमारे पास दूसरा कॉनकेव लेंस है। दूसरा कॉनकेव लेंस हम ऐसा लेते हैं जो बहुत ही थिन हो, मींस उस केस में सफेद बड़ा बने और जो हमारी रेडियस है वो भी थोड़ी ज्यादा बने। ये क्या है, थिन कॉनकेव लेंस, और ये क्या है, थिक कॉनकेव लेंस। अगर हम इन दोनों का देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से लाइट फॉल हो रही, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से लाइट फॉल। अब लाइट फॉल हुई, इसके अकॉर्डिंग इसका स्फीयर कहां ड्रॉ होगा, इस प्रिंस, इसका स्फीयर इस साइड ड्रॉ होगा, इसका स्फीयर थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। तो हम यहां कह देते सेंटर आएगा, यहां कहीं फोकस आएगा, इस केस में फोकस पास में आएगा, इस केस में फोकस थोड़ा सा पास आएगा। अब पैरेलल लाइट जो भी फॉल हुई है उसको इस फोकस से पास करना चाहिए, लेकिन लेंस है तो रिफ्लेक्शन होगा, मींस इस साइड वापस कब आती, जब रिफ्लेक्शन होता, लेकिन रिफ्लेक्शन है तो ये एक्चुअल में कहां जाएगी, इस साइड। ठीक है, मींस जो एंगल है हमारा, ये इंसिडेंट गई कहां, ये वाला एंगल थीटा वन, मतलब इतना बैंड हुआ है, इतना बैंड हुआ है। अगर इस केस की बात करें तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा दूर है, मतलब ये ऐसे आएगा, ये इस केस में एंगल हम बात कर लेते थीटा टू, थीटा। तो किस केस में लाइट की बेंडिंग ज्यादा हुई, देखो स्ट्रेट जानी चाहिए थी, गई कहां, ऊपर। तो इस केस में दोनों का कंपैरिजन करें तो थीटा वन क्या है, थीटा टू से बड़ा, थीटा वन थीटा टू से बड़ा है, और कितना अपने रास्ते से दूर हटी है, वही क्या हमारे पास, बेंडिंग। तो बेंडिंग किस केस में ज्यादा है, इस केस में बेंडिंग ज्यादा है, बेंडिंग मोर करें पावर मोर और फोकल लेंथ कम है, तो यही फिनोमेना वापस इस केस में हो जाएगा। मींस यहां से भी हम यही कंक्लूड कर पाएंगे कि फोकल लेंथ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोकल लेंथ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या पावर फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोकल लेंथ देखो, मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलती करेंगे, कहां करेंगे, जैसे हमने कह दिया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, पावर निकालो, तो आप 1/10 कर दोगे, लेकिन फोकल लेंथ अगर हमें पावर निकालनी है एसआई यूनिट में, तो हमें फोकल लेंथ की भी एसआई यूनिट लेनी पड़ेगी। एसआई यूनिट लेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप पावर निकालो तो ये बात ध्यान रखनी है कि फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लेना है, क्योंकि एसआई यूनिट लेंथ क्या होती है, मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब दो बातें और हैं छोटी छोटी, पावर है वो कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, पावर कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। एक हमारे पास कॉन्वेक्स कॉनकेव है और ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स। इन दोनों की बात करें
ये मान लो फोकस था, इससे पास कर रही थी, ये था बेंडिंग, ठीक है। अब एक चीज देखो, पावर, पावर है वो 1/f है, मतलब फोकल लेंथ पर डिपेंड है। अब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। पावर पॉजिटिव कब होगी? जो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो। और पावर नेगेटिव कब होगी? जो फोकल लेंथ क्या हो? नेगेटिव। तो अब आपको ये देखना है कॉनवेक्स और कॉनकेव के केस में किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, वो हमें देखना है, ठीक है। फोकल लेंथ देखना है और हमें क्या देखना है? पावर। अब एक चीज देखो, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है? फोकल लेंथ क्या है? लेंथ। वो हम देखेंगे ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड की जो सारी कैलकुलेशंस है, सारी मेजरमेंट है, वो क्या होती है? नेगेटिव। अब देखो कॉनवेक्स के केस में जो स्फीयर बनेगा, इसके ऊपर फॉल हुई है, इसका स्फीयर इस साइड बनेगा, इस साइड स्फीयर बनेगा, तो फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव। मतलब कॉनवेक्स के केस में क्या रहेगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या रहेगी? पॉजिटिव। कॉनकेव की बात करें तो इसका जो स्फीयर है, जिस सरफेस के ऊपर फॉल हुई है, उसका स्फीयर इस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड सारी जो डिस्टेंसेज है वो अगर हम सेंटर से मेजर करें तो क्या होती है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या रहेगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या रहेगी? नेगेटिव। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप यहीं पर मिस्टेक करोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, उसमें अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर कभी सही आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये है कि जैसे आपके स्पेक्स का, आपका जो नजर का चश्मा है, उसका मान लो ये नंबर है +1। पहली बात तो वो +1, -1, +0.25, +0.5, वो हमें गिवन क्या होता है? पावर। पहली चीज क्या है कि वो हमें क्या गिवन होता है? पावर। अब पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? कॉनवेक्स की। मींस उसका जो स्पेक्स है उसमें कौन सा लेंस है? कॉनवेक्स। अगर पावर नेगेटिव है, मींस फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, तो उसका जो चश्मा है उसमें क्या है? कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक पावर ऑफ लेंस, जो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और +2 क्लास में भी यूज होगा, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस शॉर्ट सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।